अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लंदन के लॉकडाउन की बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज जिस तरह से ग्लोबली लॉकडाउन की एक सिचुएशन चल रही है, तो जिससे भी हम मिलते हैं अपने नेबर्स में, काम पे इर्द या जो फ्रेंड्स हैं, तो चूंकि वो बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज हमारे इर्द गिर्द हैं, तो सबसे ये कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि आपके कंट्री में लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने ये बात सवाल पूछा कि मेरे होम कंट्री के अंदर किस तरह की सिचुएशन है और मैं लंदन में रह रही हूँ तो लंदन में किस तरह की सिचुएशन है। फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं सब लोगों को बता रही थी कि लंदन में लॉकडाउन कैसा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के मैं ये सब आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके बाद चलते हैं, हम वीडियो देखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आइए हम वीडियो देखते हैं। ये लॉकडाउन के टाइम पर एक बहुत ही बिजी शॉपिंग मॉल में हम गए। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी शॉप्स बंद हैं या लोगों को घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। वो सिर्फ ग्रोसरीज करने के लिए निकल सकते हैं या फिर एक्सरसाइज करने के लिए पार्क्स में शाम में 1 घंटे के लिए निकल सकते हैं। और ग्रोसरी स्टोर्स में भी 2 या 3 लोगों से ज़्यादा एक वक्त में लोग अंदर नहीं जा सकते ग्रोसरी स्टोर के। आप ये देख सकते हैं कि इतने बिजी मॉल भी बिल्कुल एम्प्टी था। बैंक्स और फार्मेसीज में क्या है, या आप एक बैंक के बाहर एक बहुत लॉन्ग क्यू देख सकते हैं और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहा जाता है और हर बंदा 2 मीटर्स एक दूसरे से दूर खड़ा रहता है। और इवन जो स्टोर्स भी हैं, जैसे पीछे सिर्फ जो फार्मेसीज और इस तरह वो खुली हुई हैं, और उन फार्मेसीज के अंदर भी जो है आप मेडिसिंस के अलावा और कुछ नहीं खरीद सकते। अब आपको दिखाते हैं कि क्यू मैनेजमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग कैसी हो रही है। आप देख सकते हैं ये जिम है, एक बच्चों का प्ले एरिया है, लेकिन सब क्लोज्ड है और इतना बिजी एरिया होता है नॉर्मली और आपको कोई नहीं दिखेगा। ये एक ग्रोसरी स्टोर है और उसके बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत ही लंबा सा क्यू है और लोग बहुत डिस्टेंस छोड़ के खड़े हैं। इवन फ्लोर के ऊपर जो है वो मार्क्स बना दिए गए हैं कि कितना कितना डिस्टेंस रखना है, और लोग हैं जो कि क्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं और लोगों को बोलते हैं कि कितना डिस्टेंस रखना है। आप ये देख सकते हैं क्यू कितनी लंबी थी और ये इसी तरह के मार्क्स बनते बनते स्टोर के अंदर भी ऐसे ही जा रहे हैं। और स्टोर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जगह जगह पे मार्क्स हैं कि लोग उन पे खड़े होंगे और वो 2 मीटर्स का डिस्टेंस है जिसको पे करना शॉप में, और जो 2 लोग आपस में भी एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रख के खड़े होंगे वो। इसके बाद आपको बताते हैं कि ट्रेन्स और ट्यूब स्टेशंस के ऊपर क्या हालत है। ट्रेन्स और ट्यूब स्टेशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, स्पेशली अभी समर्स है, लेकिन आप देख सकते हैं जगह जगह काउंटर्स बने हुए हैं। सेंट्रल लंदन जाने के लिए ट्रेन्स के लिए ये एक बहुत ही बिजी ट्यूब स्टेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना खाली है। ट्यूब स्टेशंस पे भी सोशल डिस्टेंसिंग के मार्क्स जगह जगह जो हैं वो फर्श पे मौजूद हैं, ताकि लोग जो हैं वो उनको जगह जगह पे रिमाइंडर्स हों कि उन्होंने कितना डिस्टेंस रख के खड़े होना है। या ट्यूब स्टेशन में देख सकते हैं जगह जगह पर ब्लू मार्क्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, और इतने बिजी ट्यूब स्टेशन में भी कोई नहीं खड़ा हुआ, सब खाली है। ये दहेज एक ट्यूब स्टेशन के अंदर का हाल। आप ये देखते हैं कि कोई भी यहाँ पर नहीं इंतज़ार कर रहा, ट्रेन का बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। सामने बोर्ड के ऊपर मेंशन हो रहा है कि ट्यूब आने ही वाली है, और वो अब हम देखते हैं कि ट्यूब में कितने लोग हैं। ट्यूब में भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली ही है, इक्का दुक्का कहीं कहीं कोई एक आध बंदा मौजूद है, अदरवाइज ट्यूब्स भी बिल्कुल खाली हैं। और जबकि ट्यूब्स यहाँ पर हर 5-10 मिनट के बाद जो है वो आ रही होती, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खाली है इतनी फ्रीक्वेंसी पे चलने के बावजूद भी। इसके बाद हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं बस सर्विसेज में। ये एक बहुत ही बिजी बस स्टॉप है जहाँ से कि सारे लंदन से दूसरे शहरों में जाने के लिए बसेस मिलती हैं। यहाँ जगह जगह उन्होंने हर सीट के ऊपर रिमाइंडर्स, जगह जगह पर आप ये रिमाइंडर्स देख सकते हैं जिन पे लिखा हुआ है कि आप इन सीट्स पर नहीं बैठ सकते।
आप देख लें कि सेल्फ सर्विस काउंटर बंद है, मेन जो टिकट का काउंटर है वो बंद है। यहाँ से लंदन से और बाहर जो दूसरे सिटीज़ हैं उनके जाने के लिए बसेस मिलती हैं। उसी तरह के ये साइंस जो यहाँ सीट्स पर, यहाँ पर भी रखे हुए हैं कि आप इन सीट्स पर ना बैठें। और ये एक लोकल बस स्टैंड है जहाँ बहुत सारी बसेज हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कोई एक दो लोग ही जो हैं वो बसेस का वेट कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं सारी बसेस और पूरे बस स्टैंड का क्या हाल है। फिर अब बसेस के लिए भी जो है वो एक नया रूल आ गया है कि आपको ड्राइवर से जो है बहुत डिस्टेंस मेंटेन रखना है, और इसीलिए आप बस का जो मिडिल डोर है उससे बस में बोर्ड करेंगे, और आप आगे से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है कि आप ड्राइवर के करीब भी ना जाएं। आप किसी भी टाइम ट्रैवल करेंगे तो आप ड्राइवर के करीब नहीं जा सकते। इसी तरह के रूल्स जो हैं वो शॉप्स के लिए भी बना दिए हैं कि शॉप्स के अंदर दो या तीन लोगों से ज़्यादा एक वक्त में एंटर नहीं हो सकते, और शॉप्स में भी आप ऑर्डर दे के बाहर खड़े रहेंगे और वो टेक अवे सर्विस है, वो आपको बाहर ही आपका ऑर्डर जो है वो पकड़ा देंगे। आप ये देख सकते हैं ये शॉप पर भी उन्होंने लिख के लगाया हुआ है। अब आपको बहुत ही बिजी रोड्स का हाल भी दिखाते हैं कि रोड सब के सब खाली रखे हुए हैं। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड है कि यहाँ पर अगर नॉर्मली आपको आना हो तो आपको ख़ुद को एटलीस्ट 45 से 50 मिनट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि यहाँ या तो ट्रैफिक जैम होगा, ट्रैफिक बहुत स्लो हो जाएगा, या सर्टन टाइम्स पे ये इतना बिजी होता है कि आपको अगर जल्दी कहीं पहुँचना है तो आपको बहुत एक्स्ट्रा मार्जिन रख के तो यहाँ से निकलना होगा इस रोड से। लेकिन अभी आप देख सकते हैं बहुत ब्राइट और सनी है, लेकिन उसके बावजूद रोड्स खाली हैं। यहाँ चूँकि हर वक्त लंदन में जो है वो यूके में ओवरऑल ही बारिशें होती रहती हैं, अबर आलूद मौसम रहता है, तो जब समर आता है और उसके अंदर जो है वो धूप निकल रही होती है तो ऐसा ब्राइट और सनी डे लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है कि वो घरों में रुकें। हर कोई चाहता है कि वो घरों से बाहर जाएं, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पिकनिक्स प्लान कर रहे होते हैं, लोग अपने गार्डन्स मेंटेन करते हैं और अच्छी से अच्छी जो है वो प्लांटेशन लेकर आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं भी ना रोड पे, ना घरों के अंदर, गार्डन्स में कहीं भी कोई इंसान आपको खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। सिर्फ ऐसा है कि आप स्टोर्स वगैरह में जा रहे होंगे, वो भी सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स में, आप कॉस्मेटिक्स वगैरह नहीं ख़रीदने के लिए जा सकते, वो सारा कुछ आपको ऑनलाइन ही ऑर्डर करना है। अब आपको हाल बताते हैं जनाब हीथरो एयरपोर्ट का। हीथरो जो कि यूरोप का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है और वर्ल्ड का नंबर 3 बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हीथरो बंद नहीं है, लेकिन चूंकि फ़्लाइट्स इतनी कम हो चुकी हैं कि ना होने के बराबर है, कि आप देख सकते हैं कि कोई लोग नहीं है, शॉप्स बंद हैं, इवन ये जो मनी चेंजिंग काउंटर्स हैं वो बंद हैं। लंदन में जाने के लिए, सेंट्रल लंदन में जाने के लिए यहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन्स चलती हैं हीथरो से, आप ये देख सकते हैं कि इन काउंटर्स पे भी कोई नहीं है। अब आपको बताते हैं जनाब पार्क के रूल्स। पार्क में आप डेली जो है वो दिन में 1 घंटा एक्सरसाइज करने के लिए जा सकते हैं, वो भी पार्क्स में, लेकिन घरों से बाहर ऐसे रोड्स पर नहीं घूम घाम सकते। आप देख सकते हैं कि इतना ब्राइट सनी वेदर, इतना खूबसूरत सब्जो शादाब बाग, या आप देख सकते हैं टेनिस कोर्ट है जो कि बिजी होता है लेकिन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और पार्क में भी इक्का दुक्का लोग ही हैं जो कि सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए आए हैं, वरना पार्क में भी लोग जो हैं वो आने से बहुत ज़्यादा गुरेज कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि सिर्फ ये गुलेरियाँ नॉर्मली, चूँकि यहाँ लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको नट्स वट्स डालते रहते हैं, तो ये बहुत फ्रेंडली हैं। जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो ये बिल्कुल मेरे सामने आके ये गुलेरी बैठ गई थी, शायद ये भी इस इंतज़ार में होंगे कि लोग कहाँ गए। अल्लाह ताला बस जल्द से जल्द तरीन हम सबको इस बीमारी से निजात दिलाए, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो ये सिचुएशन हुई हुई है सब लोगों को इससे महफूज करे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया।